रेडी स्टार्ट। आजकल गांवों में पहले की तरह शाम होते ही अंधेरे का साम्राज्य कायम नहीं हो जाता, बल्कि लोग विद्युतीकरण का लाभ उठाते हुए प्रकाशमय जीवन जी रहे हैं। देश की ग्रामीण जनता को विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से हो, इसके लिए सरकार की योजनाएं कार्यान्वित हैं। साथ ही ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों या गोबर गैस, बायोगैस, सौर ऊर्जा आदि का भी समुचित दोहन किया जा रहा है। खाना बनाने के लिए धुआं रहित चूल्हों का वितरण जारी है। विद्युत की समुचित व्यवस्था से सिंचाई प्रसार क्षेत्र बढ़ा है। पहले जो ग्रामीण केवल रेडियो मात से अपना मनोरंजन करने को विवश थे, वे अब टेलीविजन के माध्यम से संचार माध्यमों का चमत्कार देख पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। साथ ही इन्हें शहरों से भी जोड़ने के प्रयास जारी हैं। सरकार की नई नीतियों के अंतर्गत अब दूरभाष को गांवों तक पहुंचाया गया है। 1986 में स्थापित राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के प्रयासों से भारतीय ग्रामीण जनता का 95% भाग पीने योग्य पानी की सुविधा प्राप्त कर सका है। राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों की फसलों को बीमा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे यह उम्मीद बनती है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह अन्य किसान भी आत्महत्या करने को बाध्य ना होंगे। संविधान के अनुच्छेद 243A में कहा गया है कि कानून के अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडलों को जो अधिकार प्राप्त हैं और वे विधानमंडल जो कार्य करते हैं, गांव के स्तर पर ग्राम सभा के भी वही अधिकार तथा कार्य होंगे। संविधान के 73वें संशोधन से पंचायती राज की स्थापना तो हो गई, परंतु इसका अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छा तो यह होता कि संविधान के अनुच्छेद 243A को अनिवार्य बना दिया जाता और इसके अनुपालन की जवाबदेही सुनिश्चित कर दी जाती। 1999-2000 को ग्राम सभा वर्ष घोषित करने का कदम भी सराहनीय है। इस संस्था को मजबूत करने की अत्यधिक आवश्यकता है। विकास की प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर होनी चाहिए। अगर गांव समर्थ हुए तो भारत स्वमेव समर्थ हो जाएगा। क्षेत्रीय आयोजना को महत्व देना चाहिए। 1998 में योजना आयोग ने कृषि नीति तय करते समय कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना परियोजना की घोषणा की, जिसके अंतर्गत देश को 15 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। यह विभाजन मिट्टी की किस्म, वर्षा, तापमान, जल संसाधन आदि घटकों की समानता के आधार पर किया गया था। साथ ही ये क्षेत्र राज्यों की सीमाओं की अनदेखी कर बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त
7334 क्षेत्र निर्धारित किए गए थे, जिसमें जिले को सबसे छोटी इकाई माना गया।